गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ लेंस। यस, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, तो ये जो फॉर्मूला होता है पावर ऑफ लेंस को पी से रिप्रेजेंट करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, जो भी लेंस है उस लेंस का फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होगा दैट इज कॉल्ड पावर। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर, और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। That means ये क्लियर हो गया कि जितना ज्यादा फोकल लेंथ होगा, जितना ज्यादा फोकल लेंथ होगा उतना ही कम उस लेंस का पावर होगा। और इसके अपोजिट पे यदि सोचेंगे, जितना ज्यादा पावर होगा उतना कम फोकल लेंथ होगा उस लेंस का। तो लेंस हमारे पास दो तरह के होंगे, कंकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। कंकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। क्या होगा? नेगेटिव। और कन्वेक्स लेंस का क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये फोकल लेंथ नेगेटिव और पॉजिटिव है। That means, यदि किसी लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव है, क्लियर हो गया कि वो कंकेव लेंस है। और यदि किसी लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव दिया हुआ है तो वो कन्वेक्स लेंस है। तो एक और बताते हैं, इसी कंकेव का दूसरा भी नेम है डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन को चेंज करके डाइवर्जिंग लेंस भी वो डाल सकते हैं, तो इसे भी जानना जरूरी है। और यह है कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर है? तो फोकल लेंथ नेगेटिव और पॉजिटिव। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि किसी लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि उनका पावर भी जो है वो नेगेटिव होगा। दैट मीन्स यदि कोई लेंस का पावर नेगेटिव में दिया हुआ है तो हम ये बता सकते हैं कि वो लेंस कन्वेक्स है या फिर कंकेव। Yes, यदि नेगेटिव में दिया हुआ है पावर तो वो लेंस हो गया डाइवर्जिंग और कंकेव। लेकिन यदि वो पॉजिटिव में दिया हुआ है तो वो हो जाएगा कन्वेक्स लेंस। और ऐसे भी समझिए कि यदि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव दिया हुआ है या कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है तो उसका पावर हमेशा पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमें इसे जानना जरूरी था। अब हम बताते हैं कि इनके फॉर्मूला को हम किस तरह से बना सकते हैं। याद रखिएगा, फोकल लेंथ दिया हुआ है ना, तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? यस, मीटर। इसका मतलब है कि हम यहां फॉर्मूला भी जो लिखे हैं वो मेरा मीटर में ही होगा। क्या? मीटर में दिया हुआ है, दैट मीन्स ऐसा यूनिट तो मीटर में ही होता है। और डायोप्टर भी जो है वो ऐसा यूनिट है। दैट मीन्स एक हम P का फॉर्मूला लिखते हैं 1/F एंड इट इज इन मीटर। देखिए क्या लिखे हैं कि यदि फोकल लेंथ मीटर में दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज करेंगे। सेकंड नंबर क्या है कि P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 100/F, लेकिन याद रखिएगा कि यदि सेंटीमीटर में दिया हुआ है इन दैट केस। अब ऐसे भी हो सकता है कि मेरे पास F जो है वो डेसीमीटर में दिया हो, तो हम टेन लगा देंगे। यदि वो मिलीमीटर में दिया हुआ है तो हम थाउजेंड लगा देंगे। समझ गए? इसका मतलब ये आपको हम समझा दे रहे हैं कि यहां पे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। This is why इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर?
अब ये देखिए, आपको बताते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 10 डीएम होता है, डेसीमीटर, इसलिए यहां पे टेल लगा दिए। और यहां पे देखिए 1 मीटर इक्वल टू 1000 एमएम होता है, दिस इज व्हाई हम लोग इसको कुछ ऐसे लिखे। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया, तो मेन फॉर्मूला मेरे ये ही है। अब क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, देखिए कि यदि कोई लेंस दिया हुआ है और उस लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, तो उसका पावर क्या होगा? यस, पूछा गया पावर क्या होगा, तो आपको देखना है कि क्वेश्चंस में है क्या। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आप उसको मीटर में नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसका फॉर्मूला तो लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू 100/F लिख देंगे फॉर्मूला। और तो ये तो बताया थे कि यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए था, और ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है मैंने, तो ये क्या हो गया 100/-20, दैट मीन्स ये हो गया -5। डी मीन्स क्या हो गया, डायोप्टर की जो यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, सो पी क्या हो गया -5 डायोप्टर। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये जो लेंस है तो उस लेंस का नेचर क्या होगा, आप समझ गए होंगे क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ है तो इसका फोकल लेंथ माइनस में है, मीन्स तभी तो पावर माइनस में है, ये कनकेव लेंस ही होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग यहां पे, ये पावर निकालने के लिए मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन है, फोकल लेंथ -2 मीटर हो गया, सॉरी +2 मीटर हो गया, तो पावर क्या होगा, ये क्वेश्चन मेरे पास है। यस, पावर क्या होगा, तो पावर को निकालने के लिए हम लोग देखिए मीटर में दिया हुआ है तो हम लोग सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1/F इन मीटर। आप इतना नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, बट समझाने के लिए हमें लिखना पड़ रहा है यहाँ पे 1/F इन मीटर। तो हम क्या कर दिए 1, और F क्या दिया हुआ है +2, लिख लीजिए कोई बात नहीं है, इसको डिवाइड कीजिएगा आएगा 0.5, ये हो गया डायोप्टर, प्लस में लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो यदि लेंस का फोकल लेंथ, अच्छा ये तो हो गया कि यदि मेरे पास फोकल लेंथ दिया हुआ है तो हम कैसे फोकल पावर उसका निकाल सकते हैं, बट मेरे पास ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि मेरे पास अब पावर दिया हुआ है, यस क्या दिया हुआ है पावर, और पूछा जा सकता है कि बताइए इसका फोकल लेंथ क्या होगा, +2 डायोप्टर दिया हुआ है और पूछा गया है कि एफ क्या होगा और नेचर ऑफ लेंथ क्या होगा। ध्यान दीजिए, पावर ऑफ लेंस गिवन है, तो आप प्लस को देखकर आपके मन में आया होगा कि ये कन्वेक्स होगा, एकदम आप सही है। हाँ, नेचर हम पहले भी लिख सकते हैं कन्वेक्स लेंस, क्लियर। आगे देखिए हमें फोकल लेंथ निकालना है, तो चलिए पी का तो फॉर्मूला क्या हो गया 1/F, इसका मतलब है F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/P, तो F इक्वल टू क्या होगा 1/2, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.5। अभी 0.5 क्या हो गया, यस याद रखिएगा ये मीटर में आएगा, और यदि आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो आप इसको 50 सेंटीमीटर लिखिए, क्लियर है, क्योंकि जो भी हम F निकालेंगे ना वो मेरा मीटर में ही आने वाला है यदि हम फॉर्मूला ये यूज किए तो, क्लियर। देखिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम कुछ ये जो पावर दिया हुआ है उसको हम लोग चेंज कर दिए, -4 डायोप्टर दिया हुआ है, क्लियर याद रखिएगा। तो ये P इज इक्वल टू हो गया 1/F, सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/P, दैट मीन्स 1/-4, और ये हो जाएगा -0.25, यस याद रखिएगा मीटर में आएगा, और आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये तो रिलेटेड था पावर ऑफ लेंस से।